अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू विद मरीना इकबाल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको मालूम पड़ जाए सिर्फ एक नोटिफिकेशन के थ्रू। इस चैनल पे होंगे मज़ेदार इंटरव्यूज, कुछ तगड़े रिव्यूज और शामिल होगा आपका फीडबैक। आए नज़र डालते हैं कराची में जो रिसेंटली वुमेंस टूर्नामेंट हुआ। PCB ने अरेंज किया पाकिस्तान कप वुमेंस वनडे टूर्नामेंट, जिसमें पहली दफा चार टीम्स ने हिस्सा लिया। हम देखेंगे कि उसका क्या फायदा हुआ, क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस लग रहे थे, क्या परफॉर्मेंसेस रही, सीनियर्स ने कितना फायदा उठाया इस मौके का, जूनियर्स ने कैसे दिखाया अपना टैलेंट। अगर टीम्स की बात करें तो चैलेंजर्स ने ये टूर्नामेंट जीता, जवेरिया वदूद उनकी कप्तान थी। ब्लास्टर्स ने जगह बनाई फाइनल में, सिद्रा नवाज उनको लीड कर रही थी। कायनात इम्तियाज की टीम स्ट्राइकर्स नंबर 3 पे आई और डायनामाइट्स जो के मुनीबा अली की कप्तानी में थी, कोई भी मैच जीतने में नाकाम रही। टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, हाईएस्ट रैंक रन गेटर्स में आलिया रियाज 7 इनिंग्स 364, स्ट्राइक रेट ऑफ 77.6, मुनीबा अली 7 इनिंग्स 358, स्ट्राइक रेट ऑफ 73.4, जवेरिया खान 7 इनिंग्स 355 रन 73.5 स्ट्राइक रेट, इरम जावेद 7 इनिंग्स 270 स्ट्राइक रेट ऑफ 110.7। टॉप बॉलर्स की बात करें तो निदार डार टॉप पर रहीं 14 विकेटों के साथ। अनुषा नासिर ने सेम स्पेस शेयर किया 14 विकेटों के साथ, और एक काबिले तारीफ बॉलर जो मेंशनेबल है अंडर 18 से आई हैं साइमा मलिक, उन्होंने 8 विकेटें हासिल की। ओवरऑल इस टूर्नामेंट की बात करें तो 27 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इसमें हिस्सा लिया, 14 ऐसे प्लेयर्स थे जो अंडर 18 के प्रोग्राम से आए और 15 प्लेयर्स वो थे जो कि रेगुलर इस डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा रहे हैं। थोड़ा सा अगर डिस्कशन करें हम कि इस टूर्नामेंट में पहली दफा चार टीम्स इंट्रोड्यूस हुई, काफ़ी अर्से से ये बात चल रही थी कि जी पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ टीम्स बढ़नी चाहिए, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बढ़ने चाहिए। 2 साल पहले नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स बढ़े, 2 से 3 हो गए। उसके बाद इस बार पहली दफ़ा 4 टीम्स हुई। 2 के ये डिस्कशन पिछले 1.5 साल से चल रही थी, और क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा रही, अब नहीं हूँ, ये बात हो रही थी कि चौथी टीम इंट्रोड्यूस कराई जाए। और अंडर 18 टूर्नामेंट जिसमें 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बेस्ट 25 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके कैंप दिया गया था, और पाथवे यही था कि उसमें से टीम बना के या फिर उन प्लेयर्स को जो है वो एडजस्ट किया जाए आपकी बाकी टीम्स में और एक चौथी टीम भी ऐड की जाए। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से नहीं परमिशन मिल सकी, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थी। बट नॉनदलेस इस बार 4 टीम्स शामिल हुई, हमने देखा। मैं क्योंकि वहाँ मौजूद थी पूरे टूर्नामेंट में, आई फेल्ट कि ऑब्वियसली इट वॉज अ बिग स्टेप बाई PCB के 4 टीम्स इन्वॉल्व हुई। बट जो मेरा फीडबैक था वो ये था पूरा टूर्नामेंट देखने के बाद कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ा सा नीचे गया है। क्यों गया, कैसे बेहतर हो सकता है, क्या रीजंस हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। बट अगर मैं सिर्फ एक एरिया पे बात करूं जो कि स्ट्राइक रोटेशन है, मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत बात होती है इस पर और काफ़ी लोगों ने मेरे से इस पर बात भी की, खाली नेशनल स्टेडियम में जो मैचेस हुए उसमें 60% डॉट बॉल्स थे, लाइक मोर देन 2500 बॉल्स डॉट किए गए। एंड द कंसर्निंग थिंग वाज कि जो ज़्यादातर आपके प्लेयर्स थे, जो बैटर्स थे, वो पाकिस्तान प्लेयर्स थे। दोज वर द कल्प्रिट्स। क्या रीज़न है, काम नहीं होता, कोचेस नहीं बताते, इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते, फैसिलिटीज़ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पिछले लास्ट अक्टूबर से ये लोग रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 26 प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज़ गए, इवन सम डोमेस्टिक प्लेयर्स भी। हमारी वेमेंस क्रिकेट रेगुलर हो रही है फ्रॉम लास्ट सेप्टेम्बर, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी हुए, इंटरनेशनल टूर्स भी हुए। उसके बाद डेविड हेम जो के कोच हैं, उन्होंने जब से ज्वाइन किया, क्योंकि मैं कैंप्स में रही हूँ, आई नो कि सबसे पहली चीज़ जिस पे एड्रेस किया गया था वो था डॉट बॉल रेशो। बॉलर्स को प्लान दिया गया कि आपने डॉट बॉल ज़्यादा कराने जाना है, बैटर्स को ये एड्रेस किया गया कि आपने कम से कम डॉट बॉल्स खेलनी है, स्ट्राइक रोटेशन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं।
सो ऐसा नहीं है कि इस पर रेस्ट नहीं हुआ, काम भी हुआ, ड्रिल्स भी हुई, प्रैक्टिस भी हुए, प्रैक्टिस मैचेस भी हुए। सो बात एंड पे आ जाती है कि क्या रीज़न था कि क्यों इस चीज़ को हमें देखना पड़ा। इस पर आगे बात करेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की और द रीज़न आई फील के चार टीम्स होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए, एक रीज़न होनी चाहिए। आई एम ऑल इन के पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाया जाए, बट वो किस तरीके से बढ़ाया जाए ये मेरा सवाल है। एंड आई फील कि जब आप अंडर 18 या आप ओपन ट्रायल्स लेके सिलेक्ट करते हो लड़कियों को, तो देन एंड देयर उनका कैंप लगना चाहिए, उन पर स्किल वर्क होना चाहिए, ताकि जो आपका डोमेस्टिक लेवल है, क्योंकि उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से आप इंटरनेशनल के लिए प्लेयर्स सिलेक्ट करते हो, एटलीस्ट वो डोमेस्टिक इतना कम्पटिटिव हो कि जब आपके वहाँ से सिलेक्ट हुए हुए प्लेयर्स इंटरनेशनल जाएँ तो वो स्ट्रगल ना करें, वहाँ पे सेट ऑफ स्किल्स हो, वहाँ पे मेंटल टफनेस हो, प्रेशर हो, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो जब आपने एक स्टैंडर्ड डोमेस्टिक का सेट किया है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट सेट की है, तो जो आप बाकी लॉट्स सिलेक्ट करते हो अंडर 18 का या बाकी प्लेयर्स सिलेक्ट करते हो, तो उन पे उसी लेवल पे काम होना ज़रूरी है, ताकि डोमेस्टिक और जो वो लेवल है उसका गैप कम हो। जब ये लॉट इस डोमेस्टिक लेवल के लिए तैयार होंगे, पहले इस लेवल को बीट करेंगे, उसके बाद ही जाके इंटरनेशनल लेवल की बारी आती है। सो आई फील के टीम्स बिल्कुल शामिल होनी चाहिए, बट आई नो क्योंकि मैं हिस्सा रही हूँ अंडर 18 के और कैंप्स प्लान्ड हुए थे, पाकिस्तान ए के टूर्स प्लान्ड हुए थे, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से नहीं ये चीज़ हो सकी, वरना अगर उस टाइम से लेके अब तक इन पे काम हो रहा होता तो आपको जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है डोमेस्टिक लेवल में वो बहुत अच्छी मिलती, कंपेटिटिव क्रिकेट मिलती। बट टीम ऐड हुई, अच्छा हुआ। आई फील के उस तरह प्रेशर पाकिस्तान प्लेयर्स पे नहीं पड़ सका। यंगर लॉट ने बहुत अच्छा खेला, काफ़ी प्लेयर स्टैंड आउट किए बॉलिंग में जैसे मैंने बोला। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान प्लेयर्स को क्यों स्टैंड आउट करना चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे। पाकिस्तान प्लेयर्स ने इंटरनेशनल लेवल देखा होता है जो कि बेस्ट लेवल है, वहाँ पर उन्हें पता होता है कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या ग्रे एरियाज हैं, उन्होंने देखी होती है बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फील्डिंग, बेस्ट बैटिंग, कंपेटिटिव क्रिकेट। सो जब आपका एक्सपोजर वहाँ हो जाता है तो डोमेस्टिक लेवल क्योंकि एक स्टेप बैक है, तो वहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है डोमिनेट करने की। और ओवरऑल अगेन मैं ये बात करूँगी कि काफ़ी लोगों ने मेरे से ये बात की कि उस तरह पाकिस्तान प्लेयर्स डिफरेंट नहीं नज़र आए, वॉज इट फटीग, वर देयर सम लैप्सेस इन कोचिंग और ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़, या फिर ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअली प्लेयर पे भी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं सेटअप का हिस्सा रही हूँ, मैंने देखा है कि जब से डेविड हेम्प आए उन्होंने कितना काम किया, उससे पहले भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है, हमेशा होता रहा है। सो आई बिलीव कि हम बहुत आसानी से कोचेज और मैनेजमेंट पे बात कर देते हैं। कोचेज मैनेजमेंट एक सर्टन एंड तक आपको गाइड भी करेंगे, फैसिलिटीज भी देंगे, एक पाथवे देंगे, बट उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की आती है। प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फील्डिंग पे काम करना, अपने सर्टन सेट ऑफ स्किल्स पे काम करना, क्योंकि हर प्लेयर को पता होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल में एक्सपोज होता है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, सब पता होता है। तो जब आपको पाथवे मिल जाता है, आपको पता चल जाता है, एनालिस्ट आपके पास होते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ बॉलर, एज अ बैटर, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गो इन टू प्रैक्टिस, टू गो इन टू नेट्स या ड्रिल्स करें, बॉलर्स हैं तो टारगेट बॉलिंग करें, नेट्स में बॉलिंग करें और उस स्किल को डेवलप करें। प्लेयर की जिम्मेदारी अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर, बीइंग अ क्रिकेटर, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन नॉट डिनाई दिस। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फील्डिंग पे काम करना, क्योंकि फील्डिंग अब कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं रहेगी, इट्स नॉट एन एक्सेप्शनल एरिया, इट इज़ अ मैंडेटरी। पहले सुनते थे हम कि जी फील्डर को छुपाया जा सकता है, अब कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं जहाँ कोई फील्डर किसी भी पोजीशन पे छुप पाए। सो इसलिए ज़रूरी है ये एट प्लेयर्स एंड भी कि आप इन चीज़ों को एड्रेस करें। जब आपको एक सर्टन लेवल पे पता चल गया कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, सब कुछ दूसरे एंड पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इट्स अ टू वे स्ट्रीट एंड इट गोज़ फॉर ग्लोबली क्रिकेट, कि आपके प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अगेन अब मैं एंड बात ये करूंगी कि जस्ट फॉर द सेक कि हमें पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ाना है और नंबर ऑफ टीम्स बढ़ानी है तो इसलिए टीम्स ऐड करते चले जाएं, या उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। मकसद की जब मैं बात करती हूँ वो यही है कि जब आपने सिलेक्शन करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और आपको पता है कि वहाँ क्या स्टैंडर्ड है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डोमेस्टिक लेवल है उसका कंपटीशन इतना ज़रूर हो कि आपके जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं वो वहाँ जाके स्ट्रगल ना करें। एटलीस्ट उन्हें आइडिया ज़रूर हो अंडर प्रेशर खेलने का, उनके सर्टन स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल ज़रूर मौजूद हों, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कुछ चीज़ें। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप ज़रूर टीम्स ऐड करें, बट उनको ऐड करने से पहले, उन प्लेयर्स को ऐड करने से पहले उस ग्रास रूट पे काम होना बहुत ज़रूरी है। अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट के अंडर 18 के कैंप्स लगें, पाकिस्तान ए के कैंप्स लगें, ओपन ट्रायल्स हो, उन लड़कियों को सिलेक्ट करें, उनके कैंप्स लगें। अब तो सिटी एसोसिएशन को भी पीसीबी ने उनको एडवाइस कर दिया हुआ है कि वुमेन क्लब्स में जो है वो इनिशिएटिव लें, क्रिकेटर्स डेवलप करें। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे काम होना ज़रूरी है। जब ये स्टेप कंप्लीट होगा वहाँ पे उनकी पॉलिशिंग होगी, फिर वो आपके नेशनल टूर्नामेंट्स में कम्पीट करेंगी वो प्लेयर्स, पाकिस्तान प्लेयर्स को भी एक कम्पेटिटिव क्रिकेट मिलेगी और उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो सर्टन स्किल शो करें जो आपको रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी एग्जांपल सिर्फ मैं ये देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर 50 करता है या 100 या 80 90 रन स्कोर करता है, बट जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल लेवल का क्या स्टैंडर्ड है, अगर उस स्कोर में उस प्लेयर के 2 से 3 कैचेस छूटे हैं तो हाउ विल यू रेट दैट इनिंग्स, उस इनिंग्स की क्या क्वालिटी आप रेट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कैचेस बहुत कम छूटते हैं, क्लोजेस्ट रन आउट से भी बचना मुश्किल होता है। सो हाउ वुड यू रेट दैट क्वालिटी ऑफ इनिंग्स, कीपिंग इन माइंड कि आप इंटरनेशनल के लिए उस प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो क्लीन हो, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स आई वुड अगेन से, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक्सपोजर देख लिया होता है। सो ये चीज़ रखनी माइंड में बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये हमारा सेट स्टैंडर्ड है डोमेस्टिक का, यहीं से इंटरनेशनल टीम सेलेक्ट होती है, इस लेवल को बेहतर करना ज़रूरी है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप नंबर ऑफ टीम्स ऐड करते रहो, आप प्लेयर्स ऐड करते रहो, उन प्लेयर्स का वहाँ पे होने का मकसद होना चाहिए, और वो मकसद तब अचीव होगा, वो स्टैंडर्ड तब अचीव होगा जब आप नीचे के लेवल पे जब उन्हें सेलेक्ट करते हैं उन पर काम करते रहें। तो आई नो कि अंडर 18 पे काफ़ी काम प्लान्स हो रहे थे, पाकिस्तानी के प्लान्स हो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। बट आई वुड सजेस्ट कि ग्रास रूट लेवल पे काम होना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली जब वहाँ पे काम होता रहेगा, डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर्स आएंगे, वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे इम्पैक्टफुल मैच विनिंग इनिंग्स जब देखेंगे पाकिस्तान प्लेयर हो या दूसरा प्लेयर हो, तब ही वो इंटरनेशनल लेवल के डोर्स पे नॉक कर पाएंगे। सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कोई सजेशन आपके पास हो ज़रूर दें, फीडबैक दें, एंड आई होप टू सी यू गाइज अगेन। एंड माई स्टांस फॉर दिस वीडियो वॉज के जब भी कोई आप स्टेप लेते हैं उसके पीछे कोई रीज़न, कोई लॉजिक होनी चाहिए, देखना चाहिए कि इस स्टेप का कितना फ़ायदा है, किस किस को फ़ायदा है, और वो स्टेप किस टाइम लेना चाहिए। सो आई एम ऑल ओपन फॉर योर फीडबैक। आई होप यू गाइज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।